दोस्तों हमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि पूछा गया था कि कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जिनकी हेल्प से हम मैथ्स के जो चैप्टर हैं उसको जल्दी कंप्लीट कर सकें, मैथ्स के क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व हों, चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो और फाइनली हमारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो मैं आपको आज कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स बताऊंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स और बहुत ही कमाल की, जिनकी हेल्प से आप मैथ्स का चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और आपके फाइनली अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे मैथ्स में। तो चलिए आइए देखते हैं। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी चैनल। दोस्तों एक चीज समझिए कि मैथ्स एक अकेला ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके 100 में से 100 मार्क्स आना बहुत आसान। जी हाँ दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 मार्क्स अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस सही से करें, सही स्ट्रैटेजी से चलें, तो आप ला सकते हैं, राइट? क्योंकि बाकी किसी थ्योरी के सब्जेक्ट की तरह तो है नहीं जिसमें कहीं ना कहीं मार्क्स काट लिया जाएगा किसी चीज़ पे। मैथ्स में अगर आपने सही से आंसर निकाला हुआ है, सही आपके पूरा प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों हमारी जो पहली टिप है वो है प्रूफ को समझें, अंडरस्टैंड द प्रूफ। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो आपकी थ्योरम्स होती हैं या फॉर्मुलेज होते हैं उनका स्टार्टिंग में प्रूफ दिया होता है। तो आमतौर पे हम जो स्टूडेंट होते हैं गलती क्या करते हैं, हम उसमें जो प्रूफ होते हैं थ्योरम्स के या फॉर्मुलेज के उनको छोड़ते हैं कि छोड़ यार इनसे क्या हो रहा है, इनको नहीं समझते, राइट? ये सबसे बड़ी गलती है। हम पढ़ते भी हैं अगर थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह तो सिर्फ हम उन थ्योरम्स के पढ़ते हैं जो कि जिनका प्रूफ हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स में आता है, बाकी सब हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम आज से आप एक चीज़ करनी शुरू कर दो कि आप जो भी प्रूफ्स हैं फॉर्मूले के सबसे पहले वो सीखो। किसी टीचर से पढ़ते हो तो उनसे कहोगे ये मुझे समझाओ, ये मुझे बताओ कैसे आया फॉर्मूला, कैसे डिराइव हुआ। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि चाहे किसी भी तरीके का घुमावदार क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने प्रूफ किया होगा ना, तो आप देखना आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आपने प्रूफ को समझा, राइट? तो ये थी हमारी पहली टिप, सारे फॉर्मूले सारी थ्योरम के प्रूफ को ज़रूर समझें और मैक्सिमम जितना हो सके एटलीस्ट उतने तो समझें। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है एग्जाम्पल्स करें। दूसरी स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं, वो कहते हैं एग्जाम्पल छोड़ो क्या करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, कई बार तो एग्जाम्पल डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम्स में या फिर उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं उससे रिलेटेड ही बिल्कुल क्वेश्चन आ जाते हैं और उनकी डिजिट जो है वो चेंज कर दी जाती हैं। और एग्जाम्पल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एग्जाम्पल से आपका दिमाग जो है ना वो खुलने लगता है। लेट से आपने पहली स्टेप फॉलो करी, आपने जो प्रूफ है उसको समझा पहली टिप में जो बताया है, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रूफ समझा हुआ कितना हेल्प कर रहा है कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। और जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की, कि क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स कर चुके होंगे, प्रूफ समझ चुके होंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब शायद आप कहेंगे कि हमारे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्या करें, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं डाउटनेट ऐप का। डाउटनेट एक बहुत ही कमाल की रिवोल्यूशनरी ऐप है स्पेशली मैथ्स के लिए, जिसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इनका जो व्हाट्सएप नंबर है डाउटनेट का, आप डायरेक्टली उस पर भी यहाँ पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा इनकी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, राइट? जैसे ही आप सेंड करेंगे डाउटनेट की तरफ से आपको 3-4 सेकंड के अंदर ही उसका आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? उस पर आप क्लिक करेंगे लिंक पे, वहाँ पे जाके आपको वीडियो मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है डाउटनेट, जिसकी हेल्प से आपके सारे मैथ्स के डाउट का एंड हो जाता है, ठीक है गाइस? तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं उतनी है किसी और के पास बाहर जाके यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की, उससे बेटर है डाउटनेट का यूज़ करो और घर बैठे अपना सॉल्यूशन पाओ, राइट गाइस? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टिप है फाइनली वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मैथ्स की पूरी बुक 3 बार कवर कर लो तो यकीन मानना आपके 100 मार्क्स गारंटीड आ सकते हैं। सिर्फ 3 बार आप मेरे कहने से सारी जो बुक है उसको 3 बार कंप्लीट कर लो। लेट से एक चैप्टर है, हर चैप्टर को आप 3-3 बार जब मैथ्स में कर लोगे ना, तो आप देखना कितना आपका पक्का हो जाएगा, कितनी आपकी कमांड हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो और वो भी बहुत आसानी से। तो बस दोस्तों यही थी यहाँ पर कुछ इफेक्टिव टिप्स जिनकी हेल्प से आप मैथ्स के चैप्टर को जल्दी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम। और ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चलो मैं मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।